ए, तेरे से मिलने आए कोई? मम्मा, मां मुझे पता है आपको अंदर से बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन आप बाहर से ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे हो। आप नहीं चाहते हो ना कि मुझे टेंशन हो, पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, अब देखना मैं आपको यहाँ से जल्द बाहर निकालूंगी, ओके? क्यों आप स्माइल क्यों कर रहे हो? मैं तो इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि हमेशा मुसीबत में तू पड़ती और मैं आती हूँ तेरी मदद के लिए, लेकिन आज तो उल्टा ही हो गया। ये सलाखों के पीछे मैं हूँ और उस तरफ तू खड़ी है और कह रही है कि मैं आपको बाहर निकालूंगी। आ जा, तू भी आ ही जा। इसकी खबर लेनी है मुझे। तूने प्रीता को बताया ना कि पुलिस वाले मुझे यहाँ पुलिस स्टेशन ले आए? मैंने नहीं बताया। तूने नहीं बताया? वो तुम्हें शर्लिन को सुनाने गई थी तो सुन लिया उसने। क्या जरूरत थी तुझे शर्लिन को सुनाने के लिए वहाँ लुटरा हो जाने की? तुझे पता है ना आज उसका करवा चौथ है। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, इतनी कमजोर लग रही थी, तू क्यों गई वहाँ पे? आपको तो पता ही है, आपको कोई तकलीफ दे तो मुझे कितना गुस्सा चढ़ता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, बस गुस्सा चढ़ा और चली गई। लेकिन आप फिक्र ना करो, प्रीता अपनी बहुत हिम्मत वाली, उसे कुछ नहीं होएगा। तू मुझे मत बता कि प्रीता कितनी हिम्मत वाली, मैं जानती हूँ कितनी मुश्किल है उसके पास ससुराल में। शर्लिन और मायरा उसे चैन की एक नींद नहीं लेने देती, जब देखो उसके पीछे पड़ी रहती। वैसे उसे इतनी मुसीबत है, ऊपर से हम लोग भी अगर उसकी मुसीबत बढ़ा देंगे, उसे हर छोटी बड़ी बात बताने लगेंगे तो वो तो बेचारी मर ही जाएगी। वैसे ही सबसे जूझ रही है, हमारी मुसीबतें भी उसके सर पर आ जाएगी तो कैसे खुश रह पाएगी? शादी हुई है उसकी, नहीं नहीं इतने रीति रिवाज है, नया परिवार है, क्या जरूरत थी तुझे जाने की? हाँ, कम से कम खुशी खुशी उसे अपना करवा चौथ तो करने देती, फिर बता देते। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, प्रीता को हम अपनी मुसीबतों के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची को कुछ भी पता चले। मम्मा ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? और क्या बोलूं, तू जानती नहीं है कितनी मुसीबत है उसके सर पर। वो ससुराल में जाने से पहले मैंने उसे कहा था, एक बार फिर सोच ले, बहुत मुश्किल आएगी, बहुत समय लगेगा। उस घर में सब तैयार है उस पर झपटने के लिए, वो माहिरा, वो शर्ल, लेकिन उसने कहा था कि वो मुकाबला करेगी और वो कर रही है। आप ठीक कह रहे, मुझे नहीं जाना चाहिए था, बस कभी कभी ना अभी चल रही हो जाती, तैश में आई और वो उठा के चली गई। बेचारी प्रीता को कितना परेशान किया मैंने, कितनी वो उदास लग रही थी, ऊँची ऊँची हुई थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ की कैसे मदद करूँ। मेरे को लग रहा है वो भी बहुत गुस्से में होगी, शर्लिन और मायरा को ना चंगी तरीके से खरी खोटी सुना रही होगी।